हितग्राहियों को ऋण देने के लिए शासन स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में सभी बैंकों को हितग्राहियों को ऋण देने के लिए टारगेट भी दिया गया था। वहीं जो बैंक टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इसी के तहत शाजापुर शहर के टंकी चौराहा के पास स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मगरिया शाखा ने हितग्राहियों को ऋण देने से मना कर दिया, जिसको लेकर तहसीलदार और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित प्रशासनिक अमला बैंक पहुंचा। इस दौरान बैंक कर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच काफी कहासुनी हो गई। बैंक कर्मियों ने भी बाहर निकलने से मना कर दिया। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी एडीएम मंजूषा विक्रांत रॉय को लगी तो वो भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस को बुलाकर सभी बैंक कर्मियों को बाहर निकलवाकर बैंक को सील कर दिया। पानी की टंकी चौराहे पे संचालित हो रही है, जबकि इसका लाइसेंस मगरिया क्षेत्र के लिए, तो स्थानिक तौर पे भी ये गलत जगह पे चला रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इस बिल्डिंग का आवासीय प्रयोजन से ये रजिस्टर्ड है, जबकि ये कमर्शियल और बैंक चला रहे हैं, तो ये भी नियमानुसार गलत है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पर्टिकुलर SBI की मगरिया ब्रांच और इनके ब्रांच मैनेजर, इनका आम आदमी के साथ में बहुत खराब व्यवहार है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री स्वनिधि के एक प्रकरण है जिसमें कि पथ विक्रेताओं को मात्र 10,000 रुपये की राशि अनुदान पर दे करके उनको सपोर्ट करना, इतने जनहितैषी योजना के लिए इनके अंदर जरा भी संवेदनशीलता नहीं है। इनके द्वारा ना प्रकरण ढंग से डिस्बर्स किए जा रहे हैं, ना इनके द्वारा टेकअप किए जा रहे हैं। मामला ये है कि इनको पोर्टल पे जो हमने काम किए हैं वो दिख नहीं रहे, वो टेक्निकल इश्यूज को हम सॉल्व नहीं कर सकते, और जो हमने काम किया है वो स्पष्ट है, उसकी लिस्ट हमारे पास है, पूरा काम किया है। टेक्निकल में उनको अगर नहीं दिख रहा है तो वो उनकी जवाबदारी है, टेक्निकल में हम कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री की योजनाओं के लिए जो दबाव बना रहे हैं क्या आप पे, ये अननेसेसरी दबाव बना के काम करवाना चाह रहे हैं। सुबह भी इनने बोला था कि हम तो गुंडागर्दी से काम करा देंगे।